अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। और सच बताऊँ तो मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स की इतनी वैरायटी मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा जो मेरे पास मौजूद है एज़ इट इज़ मैं आपके सामने वो आपसे शेयर करूँ। सबसे पहले ब्लश ऑन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं सारे मेकअप में कहूँ तो अगर मैंने बेस नहीं भी कभी अप्लाई की हुई होती तो मैं ब्लश ऑन जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो ये एक ओवरव्यू है सारे मेकअप का। मेरे पास ब्लश ऑन है, इसके अलावा मेरे पास आई शेडोज़ हैं, और इस वीडियो में मैं आपको इसके स्वेचेस भी करके दिखाऊँगी। और बड़े मज़ेदार से कलर हैं, ये देखिए कि इनके स्वेचेज़ मैंने किए हैं। आपको इसमें डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, ग्रीन, रेड, ब्लू, इसके अलावा टी पिंक भी है, और बॉटल ग्रीन भी है, और इसके अलावा रॉयल ब्लू भी है, ग्रे भी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने ड्रेस के साथ अपने आई शेडोज़ को यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास यही किट है आई शेडोज़ की, इसके अलावा तो कोई नहीं है। और ये है अच्छी, मतलब इसको जब मैं, क्योंकि मुझे आई मेकअप इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं लाइट सा जो है वो यूज़ कर लेती हूँ किसी भी कलर का। जिस कलर के कपड़े पहने हो, ड्रेस पहना हो, उस कलर का मैं आई शेडो जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास हाइलाइटर है, ये हुदा ब्यूटी का हाइलाइटर है, और ये मैं यूज़ करती हूँ। इनमें मुझे सबसे जो अच्छा कलर लगता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये गोल्डन सा है, और एक जो है वो टी पिंक सा कलर है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। और ब्लश ऑन लगाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीक्स के ऊपर करके थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ कभी कभी, और ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मुझे मेकअप करना इतना पसंद है ही नहीं। लेकिन जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं जो यूज़ करती हूँ, मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो ये एक थोड़ा सा ग्रीन शेड में आ जाता है, और टी पिंक कलर है, इसके अलावा पर्पल भी है। और इसके बाद आपके साथ ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ये मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके पीछे एक बड़े मज़ेदार सी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि ये जो है वो ब्यूटीफाई बाय आमना का है ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये अगर आप मेकअप करते हो उसके बाद आप इसको अप्लाई कर लेते हो तो ये जो है आपका मेकअप तकरीबन बरकरार रहता है 5 to 6 hours के लिए। तो अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक प्राइमर है जो कि हुदा ब्यूटी का है प्राइमर। ये आप बेस अप्लाई करने से पहले अपने फेस के ऊपर यूज़ करते हैं, एंड मेक श्योर कि आपका फेस जो है वो क्लीन हो। आप पहले अपने क्लिनज़र के साथ अपने फेस की क्लिनजिंग कर लें और देन अप्लाई करें आप प्राइमर। तो ये आपको एक बेस को मेंटेन रखने के लिए आपके फेस के ऊपर प्राइमर जो है वो बेसिकली यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ ब्लश ऑन जो कि मैंने सेपरेट से लिया था, और ये पीच कलर आप कह सकते हो, इसमें शाइनिंग है, शिमर है, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो अगर मैं ज़्यादा मेकअप भी अप्लाई ना भी करूँ आई मेकअप के साथ, और लिपस्टिक इतनी डार्क भी यूज़ ना करूँ, तो नॉर्मली वैसे ही घर में भी मैं होते हुए भी ये ब्लश ऑन जो है वो ज़रा सा यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। उसके बाद ये एक एसेसरी है, हेयर एसेसरीज़। तो ये जो है मैं अपना कोई भी हेयर स्टाइलिंग करती हूँ तो साथ में इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये जो है मैं फिर अपने मोस्टली ये यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो मेन समझ लें कि बेसिक इंग्रेडिएंट है मेकअप का, दैट इज़ योर बेस। मैं जो है वो बीबी क्रीम भी यूज़ करती हूँ, इसके अलावा लॉरियल की बेस भी यूज़ करती हूँ। डिफरेंट हैं जो आपके फेस पे आपको सूट करती है, अपने फेस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। तो मेरे फेस पे जो है वो लॉरियल की सूट करती है, बीबी की ये फाउंडेशन है। और इसके अलावा हुदा की जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं इनकी। तो इट्स अप टू यू कि आपके फेस को क्या सूट करता है। उसके बाद मेरे पास जो ब्लश ऑन है उसके ये ब्रशेस हैं, 2 types के ब्रशेस हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था तो मैंने वैसे ही ले लिया था। मेरे पास पूरी जो ब्रश किट होती है आपके पास, जिसमें आपके पास लिप्स के लिए भी ब्रश होता है और आई मेकअप के लिए भी होता है, मेरे पास वो किट नहीं है, लेकिन ये 2 ब्रश हैं मेरे पास। उसके अलावा ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है जो कि मैट है, और कलर भी इसका लाइट सा है, और काफ़ी अच्छा टेक्सचर देता है आपके फेस पे, एक अच्छा सा ग्लो आता है, अच्छा सा लगता है। तो ये मैंने इसका स्वैच किया, आप इसको देख सकते हो, ये पीच एंड पिंक का कुछ मिक्सचर है। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है,
जो कि मुझे अपने मेकअप में बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि इसकी ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। इसकी रीज़न यही है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये भी जो है वो एक समझ लें कि थोड़ा डार्क पिंक सा कलर है, तो ये भी अच्छी लिपस्टिक है। इसका भी स्वैच मैंने आपके साथ किया। सॉरी, ये जो है वो ऑरेंज कलर की लिपस्टिक है। और इसके बाद जो है वो ये एक आप समझ लो कि एक ग्लिटर है जो कि आप आइज़ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका स्वैच मैंने आपके सामने किया है। प्लस इफ़ यू वांट टू अप्लाई इट ऑन योर लिप्स यू कैन आल्सो अप्लाई इट। तो ये आप इसको अपने लिप्स के ऊपर भी प्लस इसको अपनी आइज़ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीन से कलर का है, प्लस इसमें आपको शिमर का टच भी मिलेगा, ग्लिटरी टच इसके अंदर आपको मिलेगा। तो ये वैसे मैंने इतना ज़्यादा कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग लाइनर के ऊपर। इसके पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है कि ये लाइनर मेरा अपना नहीं है, ये मैंने एक फ्रेंड से बोरो किया था और मैंने उसे यही कहा था कि मुझे ब्लू कलर का लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके पास ये मौजूद था। तो मैंने कहा कि अब ये मैं ही ले लेती हूँ तुमसे, तो मैंने उसे ज़बरदस्ती ही ले लिया था, बट उसने मुझे ना नहीं की। इंशाल्लाह